मंगलोर में उत्तर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। पेराई सत्र शुरू होने से पहले लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और संचालक सुशील राठी ने गन्ना यार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिड यार्ड अभी तक पूर्ण रूप से सही ना कराए जाने पर समिति संचालक ने नाराजगी व्यक्त की। वहाँ उपस्थित मिल अधिकारियों को पेराई सत्र शुरू होने से पूर्व यार्ड को पूर्ण रूप से ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। साथ ही गन्ना लेकर आने वाले गन्ना किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं ना हो सके, इसके लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। किसानों की ओर से शिकायत मिलने पर मिल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। सुशील राठी को मिल महाप्रबंधक लोकेंद्र लांबा ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं पेराई सत्र शुरू होने से पूर्व ठीक करा दी जाएगी। मंगलोर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। चार नवंबर को पेराई सत्र जो 2023-24 है उसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज चीनी मिल ने इंडेंट भी दे दिया, तो आज हमने चीनी मिल के यार्ड का निरीक्षण किया। चूँकि किसान वहाँ गन्ना लेके जाते हैं, तो किसानों को कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, तो उसके लिए हमने पहले भी किया था। फिर आज उसको व्यवस्था, चूँकि फैक्ट्री चलने वाली है, देखने गए थे तो अभी पूर्ण नहीं हुआ। हमने थोड़ा सा वहाँ नाराज़गी व्यक्त की और उनको निर्देशित किया है कि उसको चीनी मिल चलने से पहले पूर्ण कर लें। वैसे तो अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं, उनके शौचालय थोड़े ख़राब हैं, उन्हें कहा है ठीक कर लें, और चीनी मिल चलने से पहले उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण कर देंगे। दूसरा, किसान को कोई चीनी मिल चलते समय समस्या ना हो, जाम ना लगे, उस तरह के भी हमने उनको कहा है, उनसे बात की है कि इंडेंट देते समय उसका भी ध्यान रखें। बुग्गी का यार्ड जो नहर की तरफ था वो बहुत ख़राब था, वो बहुत अच्छा उन्होंने बना दिया, उसके लिए मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। और ट्रॉली का जो एंट्रेंस था वो भी थोड़ा ख़राब था, उसमें भी उन्होंने मिट्टी डाल करके खड़ंजा लगा दिया है, बहुत अच्छा वो फिलहाल हो गया है।